बड़ा बड़ा हमारी माता की कवरेज दी जाए तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इन लोगों में आ जाता है। आज जो ये इवेंट है तो इवेंट जो है जीते रहो, जीते रहो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूं कि आज जब मैं यहाँ इस इवेंट में मौजूद हूँ, इन लोगों के जो जज्बात देख रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ ये चीजें हमें इंटरनेशनल मीडिया पे दिखानी चाहिए कि पाकिस्तान में नो डाउट बहुत से इश्यूज भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने दौर पे जितना इनसे पॉसिबल होता है ये अपने इवेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं। मैं आप सभी को एज ए मजहबी स्कॉलर भी हूँ, अपने हिंदू बिरादरी का गादी नशीन भी हूँ, और इनकी तरफ से जो मुझे बुलाया गया है मद्रासी कम्युनिटी की तरफ से, तो मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट ने ये नहीं तोड़वाया, रेखा है, वो इमरान है, और कोई ठेकेदार जो लैंड माफिया, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, बिल्कुल उन लोगों ने ये किया है। गवर्नमेंट तो जो है हमें सपोर्ट देने के लिए मोबाइल रखी है, पर वो मोबाइल जो है मोबाइल तो उनके लिए यूज हो रही है, हमारे लोगों के लिए यूज नहीं हो रही है। आप प्रोटेस्ट करते हैं कभी इस मंदिर के सामने, कभी आप जनाह के सामने, कभी आप कहीं पे प्रोटेस्ट करते हैं, जहाँ पे असल ये सिचुएशन है जो मंदिर है वहाँ क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते? तो वो ये कहते नजर आते हैं कि भाई हमें डराया जा रहा है। जी हाँ, वहाँ पे जो है ना वो कभी डरा धमका के कह देती हैं मुझे पत्थर मार रहे हैं, कभी वो कह देते हैं कि मुझे डंडों से मार रहे हैं। अब देखिए वो तो है लेडीज़ है, तो औरत के लिए हर कोई सुनता है, तो वो कहीं अपने हाथ पाथ पे पट्टी वट्टी डाल दे और उससे कोई एफ आई आर काटा दे, कुछ कर दे, तो लोग बेचारे डर रहे होते हैं। लेकिन सभी सोशल मीडिया को और न्यूज़ चैनल्स जो हमारे पाकिस्तान के हैं, उन सभी को ये बताना चाहिए कि ये जगह मंदिर थी, मंदिर है और मंदिर रहेगा। डेनमार्क में जो हुआ वो, और अभी जो स्वीडन में हुआ पहले डेनमार्क में, अब स्वीडन में हुआ, उसमें भी हमारे लोगों ने एहतजाज किया, हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ हमारे तमाम पेशवाओं से, के पेश इमाम जी से भी और हमारे मौलाना साहबों से भी, मुफ्ती साहबों से भी, कि जिस तरह से हमने आपके लिए किया तो आप भी आए, आगे बढ़ें और आप बताएं कि ये मंदिर जो है केवल एक, यहाँ पे लेडीज मौजूद है। और अभी यहाँ अंदर जो इनका प्रॉपर एक इवेंट है इसको ये स्टार्ट करेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ये अपनी जो पूजा है उसको शुरुआत करेंगे। यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये एज ए मुस्लिम कम्युनिटी, एज ए मेजोरिटी, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करें इस तरह के जो भी कोई इवेंट हो, या इस तरह की जितने भी मिनॉरिटीज़ हैं, चाहे हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पाकिस्तान में जितनी भी मिनॉरिटीज़ यहाँ मौजूद हैं, उनके इवेंट्स पर हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। जिस तरीके से हमारे लिए ईद का दिन बहुत स्पेशल दिन होता है, इसी तरीके से इनके इवेंट्स भी इनके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। और अगर हम इनकी किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो बदले में डेफिनेटली हमें रिस्पेक्ट मिलेगी। सर ये आज के इवेंट के बारे में थोड़ा सा देखने वालों को आप एक्सप्लेन करेंगे, ये किस चीज़ का इवेंट है? ये हमारे श्रावण मास शुरू हो गए हैं जी, श्रावण का दिन शुरू है हमारे जो होते हैं, ये अधिक मास और पुरुषोत्तम मास हमारा है, ये दो महीने जो हैं हमारे रोजे शुरू हो गए हैं। अच्छा, दो मंथ जैसे हम एक मंथ का रोजे रखते हैं, आप अब दो मंथ रोजे? हमारे यहाँ असल में होते तो 30 ही रोजे हैं और 10 जो हैं वो हमें अलग से रखने होते हैं। ठीक हो गया। पर अभी इस वक्त जो महीना आया है उसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। ठीक हो गया। वो जो पुरुषोत्तम मास जो होता है वो भगवान श्री हरि जी के लिए होते हैं, तो उसमें पूजा की जाती है और श्री भगवान परशुराम जी के रूप में और विष्णु सर्वरूपा में जो है वो अपने पाताल में चले जाते हैं। जैसे अगर मंदिर डिमोलिश का केस सामने आया तो ये खबर सबसे पहले सामने आई कि शायद मंदिर डिमोलिश जो मुसलमानों की तरफ से किया गया है, शायद गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। जब मैंने यहाँ पे आके उसको प्रॉपर कवर किया तो मुझे पता चला कि जिस लेडी की तरफ से क्लेम प्रॉपर्टी का किया जा रहा है वो भी हिंदू कम्युनिटी से ही बिलोंग करती हैं। इस तरीके से मीडिया को चाहिए कि यहाँ आए, कवरेज करें, जो इश्यूज हैं उनको सामने लेके आए। ये है कि लैंड माफिया के जो लोग होते हैं उनका देखें कोई मजहब नहीं होता है,
वो तो अपने पैसों के लिए जो है वो कुछ भी बेच सकते हैं। तो ये जो अगर रेखा का नाम ले रहे हैं या इमरान का, मैं काफ़ी दिनों से न्यूज़ में आप लोगों की देख रहा हूँ और बड़ी अच्छी तरीके से आप बहुत अच्छा चला रहे हैं, काफ़ी न्यूज़ में मैंने आपको देखा, बहुत शुक्रिया। और आज अभी आप आ गए तो मेरे ख्याल से आपको पता चल ही जाता है। तो न्यूज़ में जो ये दिखाया जा रहा है, आप जो दिखा रहे हैं कि रेखा और ये, लेकिन इसके पीछे भी और भी लोग हैं, और हम मैं जो लैंड ग्रेबर्स जो हैं वो इतना बड़ा काम वो नहीं कर सकती थी, ऐसे ही है। लेकिन इसके पीछे और भी बड़े लोग हैं, क्योंकि 7 करोड़ रुपए एक अहमियत रखता है सर। एक बड़ी बात ये है कि 7 करोड़ एक तरफ प्रॉपर्टी का जो मैंने खबर सुनी है, और मैं इस केस के अंदर इन डीप स्टडी जा रहा हूँ, तो मैंने खबर सुनी है वहाँ पे जो जेवरात थे, जो वहाँ पे माता मौजूद थी, उनका जो नीचे प्लेट थी, सोने की प्लेट थी, उनका ताज था, उनके जेवर थे, वो तो 7 करोड़ से कई गुना ज्यादा के होंगे, वो कहाँ गए। मेरे लिए बड़ा एक मंदिर हमारा 150 साल पुराना है, ये तो वो रेखा भी मान गई है, ऐसे ही ठीक है। लेकिन हम लोग तो काफ़ी अरसे दराज से जो है हम तो देख रहे हैं, हमारी तो पैदाइश भी सोल्जर बाजार की है, मैं श्री पंचमुखानंद मंदिर का गादी नशीन हूँ, ठीक है। तो हमारे आबा अजदाद वहाँ पर रह चुके हैं, ठीक है। हमारे आबा अजदाद ने जो रहे हैं वो वहाँ पर देखा है कि ये मंदिर जहाँ अभी आप क्रेन देख रहे हैं वो वहीं था मंदिर। हाँ हाँ। और कई अरसे दराज से जो है वो सिल्वर राज जी जो हैं, ठीक है, वो यहाँ के थे, प्रेसिडेंट थे, तो वो कई दफ़ा जो है वो लड़ते रहे हैं। और मूर्ति जब हटा के जो है इन्होंने छोटी जगह पे रखी, तो उस वक्त भी उन्होंने कोर्ट में केस किया था, और मुझे याद है यहाँ तक कि एप्लीकेशन प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी दी गई थी कि ये मूर्तियाँ यहाँ से हटा दी गई हैं और इसे दूसरी जगह पे, जो गंदी गली कहलाती है, उस जहाँ पे कैमसी कटिंग लिखी हुई है वहाँ पर जो है इन्होंने रख दी है। और ये मूर्ति भी वो नहीं है ओरिजिनल, जैसे आपने कहा जेवरात हैं, ये तो मैंने आई थिंक उनकी वीडियो देखी है, उनकी बहन की, रेखा के बहन है मंगला, वो आजकल बहुत अच्छा चल रही है। बिल्कुल, तो हम जल्द ही अपने चैनल पे मंगला जी को इनवाइट करने वाले हैं, और उनकी भी जो बातें हैं और वो बहुत सी चीज़ों को एक्सपोज करेंगी, वो आप एक दो दिन में जल्द ही वो देखेंगे। सर एक चीज़ आप माइंड ना करिएगा, मेरा सवाल करना मेरा हक है कि देखें ये लोग हैं, इतने एजुकेशन नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है, शायद डर का माहौल है, मैं ये भी कह सकता हूँ, लेकिन आप लोग जिनकी आवाज़ आगे जा सकती है, आप लोगों ने उस तरीके से स्टैंड, मैं यहाँ 4-5 दिन से कवरेज कर रहा हूँ, कोई मुझे लीडर या कोई जैसे मतलब कह लें कि जो इन लोगों को गाइड कर सके, ऐ सच वो वहां पे खड़ा हुआ नजर नहीं आया। माजरत अगर आपको ये सवाल या मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मेरा ये सवाल मेरे माइंड में था, मेरा फर्ज है कि मैं ये सवाल करूं। देखें यहां जो इनके जो बड़े थे वो मद्रासी पंचायत के जो थे, सिल्वर राज जी थे, जी जी। उसके बाद अभी वाइस प्रेसिडेंट भी हैं हमारे, ये महाराज जी हैं, ठीक है। और भी यहां पर अभी जो पुराने थे उनकी डेथ हो गई है सब, ठीक है। अब ये न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन ने देखा कि इनको कभी आने नहीं दिया जा रहा, जाने नहीं दिया जा रहा, तभी इन्होंने मुझे भी इधर बुलाया और इनवाइट किया कि हमारी रहनुमाई की जाए, हमारे काम किए जाए। तो मंदिर है, इबादतगाह की कोई भी जगह हो, उस पर जो है पेश इमाम होते हैं या मजहबी स्कॉलर्स जो होते हैं उनको भी आना चाहिए, और जो हमारे बैनुल मज़ाहिब के लोग भी हैं उन्हें भी आना चाहिए कि ये मंदिर जब 150 साल पुराना है, ठीक है। अब मैं आपकी कोई वीडियो देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले ही, किसी ने मुझे भेजी, तो उसमें आप 10-10 लोगों के पास जा रहे हैं लेकिन कोई बताना नहीं चाह रहा। बिल्कुल, उसके बताने का मकसद ही यही है कि लोग डरते हैं। देखिए कोर्ट केस से, पुलिस से, हर चीज़ से लोग डरते हैं कि कोई वो मुझ पर कोई और केस ना कर दे या कुछ ना कर दे, तो लोग डरते होते हैं, इस वजह से कोई कुछ बोल नहीं रहा होता है, ठीक है। इवन ये कि बहुत पहले जो है कई तरह से इन लोगों को तंग भी किया गया और उनको अंदर आने नहीं दिया है, ठीक है। मैं खुद जब पहले दिन आया तो वहाँ जो छोटा जिसे एक एरिया को मंदिर बनाया गया था उसे भी लॉक किया गया था। एक तो ये है कि प्लॉट के अलावा जो मंदिर क्लेम वो रेखा जी क्लेम कर रही है उन्होंने उसे भी लॉक किया, फिर हमने उसे खुलवाया और वहाँ पर लोग गए। अभी मैं इन्हें कहता हूँ कि आप प्रोटेस्ट करते हैं कभी इस मंदिर के सामने, कभी आप जनाह के सामने, कभी आप कहीं पर प्रोटेस्ट करते हैं, जहाँ पे असल ये सिचुएशन है जो मंदिर है वहाँ क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते, तो वो ये कहते नजर आते हैं कि भाई हमें डराया जा रहा है। जी हाँ, वहाँ पे जो है ना वो कभी डरा धमका के कह देती हैं मुझे पत्थर मार रहे हैं, कभी वो कह रहे थे कि मुझे डंडों से मार रहे हैं। अब देखिए वो तो है लेडीज़ है, तो औरत के लिए हर कोई सुनता है, तो वो कहीं अपने हाथ पाथ पे पट्टी वट्टी डाल दे और उससे कोई एफ आई आर काटा दे कुछ कर दे, तो लोग बेचारे डर रहे होते हैं। क्या कानून या अदारे हैं वो ये चीज़ नहीं देख रहे? अगर वो एक औरत वहाँ पे मौजूद है, मैंने उनका भी स्टांस लिया, यहाँ का भी स्टांस लिया, और मेरा काम है दोनों जगह पे जो मौकफ है वो सामने लाया जाए। तो यहाँ पे ये जो खवातीन हैं जो कल मेरे सामने रो रही थी, जो ये कहती थी हम जान दे सकते हैं मंदिर, अपनी माता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो ये लोगों को जो पुलिस वाले हैं जो अदारे हैं वो नहीं देख रहे कि अगर वो औरत है तो ये भी तो खवातीन है, ये भी तो लेडीज़ हैं।
पर वो लोग मंदिर में नहीं आने देते हैं, उन लोगों को आने दिया जा रहा ही नहीं है। ठीक हो गया। इन लोगों को देखें, कोई भी हुकूमत हो या कोई भी लोग हो, ये मंदिर में जाने से जो है कोई रोक नहीं सकता किसी को, बिल्कुल नहीं रोक सकता। जिस तरह से मस्जिद में सब लोग, चाहे मेरे कोई दुश्मन भी हो ऐसे तो ही वो भी आएगा, नमाज पढ़ेगा। रेखा हिंदू भी हैं, हम हिंदू हैं, अगर मेरे साथ किसी की अच्छी नहीं बनती, पर वो मंदिर है, आप मेरे यहाँ पंचमुखी हनुमान मंदिर आए, बिल्कुल मंदिर खुला हुआ मिलेगा आपको, और लोग हर जात के लोग आते हैं हमारे तो पास। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फख्र है मुसलमान होने पे, तो क्या मैं इस मंदिर में नहीं खड़ा? क्या मैं इनका जो त्यौहार है उसे कवर नहीं कर रहा? क्या मुझे किसी ने रोका है? ये मतलब ये कॉमन सेंस वाली बात है। और इसी तरीके से उनकी तरफ से कहा गया जी ये तो इस एरिया के हिंदू है नहीं, ये क्यों इस मंदिर में? क्या आपके एरिया एरिया वाइज हिंदू मंदिर में जा? कोई ऐसा एरिया नहीं बंधा हुआ हमारे यहाँ पे। देखें शिव मंदिर भी है, रत्नेश्वर महादेव मंदिर, वो भी जो है वो अपने क्लिफ्टन पे है। जी जी जी। स्वामी नारायण है जी। वो लाइट हाउस की तरफ है। ठीक है। इसी तरह पंचमुखी हनुमान मंदिर है, वो सोल्जर बाजार में है। पूरे पाकिस्तान से तो, कोई भी आ सकता हाँ है। जी कोई भी आ सकता है। इवन ये कि हमारे यहाँ जो पंचमुखी हनुमान मंदिर है और दूसरे जो हमारे जो चार पांच जो मंदिर हमारे ये कराची के जो सबसे बड़े हैं, 1500 साल पुराना मंदिर है हमारा, बिल्कुल, तो यहाँ पर तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं जी, पूरी दुनिया से इबादत करने लोग आते हैं और पूजा कर सकते हैं। ये थोड़ी है कि हमारे यहाँ बंदिशें नहीं है, बिल्कुल, कि मतलब आपको बांध दिया जाए कि भाई आपका यही मंदिर है, आपने इधर ही आना है, और जो कोई अगर दूसरे एरिया का आएगा तो वो नहीं आ सकता। इसका मतलब है ये स्टांस तो जो दूसरी साइड से दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस स्टांस में सोचने वाली बहुत सी बातें मौजूद हैं। इसमें जो है ना जो लोग बोल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने देखा आपके और दूसरे लोगों के साथ भी वीडियो में, तामिल के लिए 12वें कहा गया तो वो बोल रहे हैं तामिल नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन ये लोग हैं अपने पूर्वजनों को छोड़कर इस पाकिस्तान में बसे जी, और पाकिस्तान में बसने के बाद हम लोगों ने तो एक ही बात देखी, कायदे आजम जी ने ये फरमाया था कि आप लोग जो हैं यहाँ पर रहें, बिल्कुल, और हर किसी को आजादी है। किसी को 11 अगस्त 1947 की जो स्पीच है उसमें उन्होंने बिला झिझक उन्होंने एक स्पीच की, ठीक है, और उस पर उन्होंने ये कहा कि आप आज़ाद हैं मस्जिद जाने के लिए, आप आज़ाद हैं मंदिर जाने के लिए, आप आज़ाद हैं गुरुद्वारे के लिए, आप आज़ाद हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी अपने चर्च पे जाने के लिए, ठीक है। उसमें ये नहीं कहा कि आपके इस इलाके में नहीं जा सकते, मज़हबी हवाले से भी और कानूनी हवाले से भी, कहीं पे भी आप कहीं पर भी अपनी इबादत करने जा सकते हैं। एक मिसाल है कि अगर मैं या आप, आपका टाइम हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे 4 वक्त भी है, ऐसे आपके यहाँ 5 वक्त है, ठीक है, अगर रास्ते में हम कहीं हमें मंदिर नज़र आ जाता है या चर्च नज़र आ जाता है या हमें मस्जिद नज़र आ जाती है, ठीक है, जो जिसका मानने वाला है, चाहे वो हिंदू है या क्रिश्चियन है, उसकी जो भी मजहबी जगह है वो वहाँ पे उतरेगा और फौरी तौर पे जाके अपनी इबादत करेगा, ठीक है, प्रे करेगा। कहीं कोई उसे ये नहीं कहेगा कि अपना एरिया दिखाओ, अपना आईडी कार्ड दिखाओ, आप किस एरिया से बिलोंग करते हो, और उसी एरिया में जाके मस्जिद में नमाज पढ़ो या उसी एरिया के मंदिर में जाके आप पूजा करो, ये कोई नहीं कहेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में ये बता दें, आपके जो इस टाइम हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बहुत पाकिस्तान में बहुत देखी जाएगी, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत देखी जाएगी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, सिंध के सीएम को, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे एज ए लीडर ऑफ हिंदू कम्युनिटी? मैं सभी मद्रासी कम्युनिटी की तरफ से भी और मेरी पंचमुखी हनुमान मंदिर कमेटी और पूरी तमाम हिंदू बिरादरी की तरफ से, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हमारे गवर्नर ऑफ सिंध, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, हमारे डीजी रेंजर्स, तमाम हसास इदारे जितने भी हैं, आर्मी चीफ जो हमारे हरदिल अजीज़ हमारे पाकिस्तान के, और वैसे भी वो हमारी हर पूजा पाठ के इबादत में हमारी सिक्योरिटी अच्छे देती हैं, तमाम हसास इदारे, उन सब से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, ख़ासतौर पे केएमसी कि जिन्होंने ये लीज़ उनके नाम पे करके दिए, मुर्तुजा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर जिनसे मैंने आज मुलाकात करने की तवक्को की थी पर वो आज बहुत बिज़ी थे, ठीक है, तो मिल नहीं सके। हमारी माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं वो हमसे मिलेंगे मंडे के दिन, ठीक है। तो इसी तरह जो है मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब ये प्रॉपर्टी पे लिखा हुआ है मंदिर जो है पर्पज़ ऑफ मंदिर के लिए यूज़ है, ठीक है, तो वहाँ घर कैसे होंगे, कैसे होंगे, तो ये आप थोड़ा सा देखें। दूसरा, उसमें मद्रासी हिंदू कम्युनिटी लिखा हुआ है तो लाजमन है वो फिर वो मद्रासी हिंदू कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है,
रेखा की या हीरा लाल जी की है नहीं, ये तो इन्होंने उससे साफ सफाई के लिए केयरटेकर एक एज ए देखभाल के लिए रखा था। अब अगर हम किसी को देखभाल के लिए रखते हैं वो मालिक बन जाए तो ऐसा नहीं है। कागजातों में लिखा हुआ है मद्रासी हिंदू कम्युनिटी, तो अब ये मद्रासी हिंदू कम्युनिटी के ऊपर है कि वो किसको रखना चाहती है, या वो खुद रहना चाहती है या वो किसी और को रखना चाहती है, ये इनके ऊपर निर्भर है। ये इनके ऊपर निर्भर है कि ये अपना हेड किसको बनाकर इस मद्रासी कम्युनिटी का जो केस चल रहा है ये किसको आगे लेकर चलना चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं, ये सारी बातें जो हैं इन कम्युनिटी पे मद्रासी कम्युनिटी के ऊपर है कि ये किस तरह से चलना चाहते हैं। ऐसे ही है सर, मुझे ये बता दें, मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट लाहौर से कराची में आया हूँ इस न्यूज़ को कवर करने, ना सिर्फ कवर करने बल्कि यहाँ के लोगों की आवाज़, दोनों साइड की आवाज़ आगे ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए, दुनिया तक पहुँचाने के लिए। मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे यहाँ के लोगों का फ़ायदा हो सकता है, लोगों की आवाज़ आगे जा सकती है, या मेरे थ्रू एज ए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कुछ ना कुछ जो आपको लगता है कि इस टाइम मीडिया को करना चाहिए, सोशल मीडिया को करना चाहिए, वो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। देखिए, सभी सोशल मीडिया को और न्यूज़ चैनल्स जो हमारे पाकिस्तान के हैं उन सभी को ये बताना चाहिए कि ये जगह मंदिर थी, मंदिर है और मंदिर रहेगा। और हम ये चाहते हैं कि मैं एज ए मजहबी होकर, क्योंकि जिस जगह पर मंदिर पे स्थापना की जाती है मंदिर वहीं रहता है, ऐसे ही है। उस मंदिर को अगर मैंने और भी चीज सुनी है कि गर्ल्स हॉस्टल, हाँ, ये बहुत नाजायज बना रहे हैं। वो कहा स्टांस ये दिया जा रहा है कि भाई इन लोगों की वेलफेयर के लिए गर्ल्स हॉस्टल बनाएंगे, कोई एकेडमी बनाएंगे, इनके बच्चे पढ़ लेंगे। लेकिन सनातन धर्म जो हमारा है उसमें ये साफ साफ है कि जहाँ मंदिर होता है वहाँ सिर्फ मंदिर ही रह सकता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर हमारे यहाँ धरती माता की पूजा होती है। बिल्कुल, बेसिकली हमारे यहाँ पूजा करके स्थापना की जाती है। अगर कोई कहता है कि ये मंदिर की मूर्ति उठाकर हमने उधर रख दी, फिर भी हमारे लिए ये है कि वो जो एरिया है वो मंदिर है और उस पे कोई भी चीज़ आप नहीं बना सकते, ठीक है। प्लस उस जगह पे अभी भी पूजने के लायक है क्योंकि वहाँ माता का वास है। वास मतलब कि वो वहाँ पर अभी भी उनकी परछाई है और वो है 150 साल से, आप चाहे कितना भी हटा लें लेकिन भी बना लें। मंदिर से वो माता नहीं जा सकती। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम कोशिश करेंगे फिर से एक बार जो दूसरी पार्टी है रेखा जी हैं उनके पास जाएं, मैं भी उनके पास भी कुछ ऐसी चीजें हों, कोई डॉक्यूमेंट्स हों या उनकी बात सुनना, बिल्कुल उनका भी हक है कि वो अपनी बात मीडिया तक पहुंचा सकें। लेकिन यहां पे 4-5 दिन से जो मैंने नोट किया है, बहुत से एविडेंस मुझे बहुत सी जगहों से, इवन पाकिस्तान से, पाकिस्तान के बाहर से, इवन रेखा जी की जो बहन है, सकी बहन है, उनकी तरफ से मेरे साथ रابطہ, मंगला जी उनकी तरफ से रابطہ किया गया, उन्होंने बहुत से एविडेंस मुझे दिए जो कि जल्द हम आगे लेके जाएंगे। कोर्ट में भी जितना हो सका हम कानूनी तौर पे तो कर रहे हैं, साथ ही साथ जो सोशल एज ए सोशल एक्टिविस्ट जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि इस केस को बेहतर से बेहतरीन तरीके से आगे लेकर चलें। और साथ ही दूसरे जितने भी लोग हैं उन्हें चाहिए, मुस्लिम कम्युनिटी को चाहिए कि वो आए यहाँ पे स्टैंड लें। आज हम इनके साथ खड़े हैं तो कल को अल्लाह ना करे हमारे पे मुश्किल वक्त आता है तो ये सीना चौड़ा करके हमारे साथ खड़े होंगे आज। जी जी, इसके बारे में मैं आपसे ये कहूँगा, मैं बैनुल मजाइब से हमारा ताल्लुक है, IPCHS, हमारे पास अल्लामा भी हैं, पेश इमाम भी हैं, हमारे साथ सब हैं अभी इस वक्त, लेकिन इससे पहले भी और इससे बाद भी डेनमार्क में जो हुआ वो, और अभी जो स्वीडन में जो हुआ, स्वीडन में हुआ, पहले डेनमार्क में, अब स्वीडन में हुआ, उसमें भी हमारे लोगों ने एहतजाज किया, हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ हमारे तमाम पेशवाओं से के पेश इमाम जी से भी और हमारे मौलाना साहबों से भी, मुफ्ती साहबों से भी, कि जिस तरह से हमने आपके लिए किया तो आप भी आएं, आगे बढ़ें और आप बताएं कि ये मंदिर जो है केवल एक हमारे हिंदू बिरादरी का नहीं, पाकिस्तान का है ये, और ये पाकिस्तान का असासा है, ये पाकिस्तान का असासा है। ये एक मजहबी जगह तो है पर पाकिस्तान का एक हेरिटेज है ये। बिल्कुल ऐसे हम सबको चाहिए, पूरे पाकिस्तान को चाहिए कि हम सब मिलकर जो है इस काम को, बीड़ा को उठाएं और असेंबली में ये बात उठे कि जिसके भी नाम पर ये कागजात बनाए गए, जाली बनाए या जैसे भी बनाए, मैं आपके माध्यम से जो है तमाम हमारे हुकूमत को ये बोलना चाहता हूँ कि जिसके नाम पर भी ये कागजात बने, ये कागजात किसी के नाम पे नहीं होना चाहिए, मरी माता के नाम से होना चाहिए, मद्रासी कम्युनिटी के नाम पे होना चाहिए, किसी और के।
क्योंकि ये एक इम्यूनिटी प्लाट है। बिल्कुल, इस इम्यूनिटी प्लाट में किसी को बेचने का कोई हक नहीं है, इसीलिए ये कोई भी मंदिर आप ले लें उठा के, तो उस पर पहले सिर्फ मंदिर का नाम आता है, हमारी माता मंदिर, और कमेटी के नाम होते हैं, पर उसमें किसी एक फर्द का नाम नहीं होता है, ये लॉ भी है। मेरी सभी से गुजारिश है हमारे हुकूमत से कि उसका नाम हटाएं और मद्रासी कम्युनिटी के नाम पर भी रखें, मरी माता के नाम से वो मंदिर को अलाट किया जाए। जबरदस्त जी, बहुत अच्छा लगा इस वीडियो को। मैं जो इन्होंने बात की है कि इस टाइम पे हमें हिंदू मुस्लिम होके नहीं सोचना, ये सिर्फ हिंदुओं का मंदिर नहीं, ये पाकिस्तान की एक इमारत है, एक बिल्डिंग है, हेरिटेज है, बहुत ही कदीम विरासत है, जो कि मेरी जिम्मेदारी है एज ए मुस्लिम, एज ए पाकिस्तानी के मैं महफूज करूँ उन्हें, जो कि इनकी जिम्मेदारी है एज ए हिंदू, एज ए पाकिस्तानी, कि वो उसके लिए आवाज़ उठाएं और उसे महफूज करें। और यही बात हमारे पाकिस्तान का कानून कहता है, यही बात हमारे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, और हमें इसके ऊपर फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज पाकिस्तान का इमेज खराब होगा, ना सिर्फ पाकिस्तान में मिसकंसेप्शन बढ़ेगी बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे माइनॉरिटीज को लेकर बातें की जाएंगी। ये थी जी इंटरनेशनल जो बातें की जा रही हैं कि हुकूमत ने ये तोड़वाया है, हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत ने सामने देखकर तोड़ा। मैं आप सभी को एज ए मजहबी स्कॉलर भी हूँ, अपने हिंदू बिरादरी का गादी नशीन भी हूँ, और इनकी तरफ से जो मुझे बुलाया गया है मद्रासी कम्युनिटी की तरफ से, तो मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट ने ये नहीं तोड़वाया, रेखा है, वो इमरान है, और कोई ठेकेदार जो लैंड माफिया, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, बिल्कुल उन लोगों ने ये किया है। गवर्नमेंट तो जो है हमें सपोर्ट देने के लिए मोबाइल रखी है, पर वो मोबाइल जो है तो उनके लिए यूज हो रही है, हमारे लोगों के लिए यूज नहीं हो रही है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा जायरीन के लिए जो है वो सिक्योरिटी रखी जाती है, आए पूजा करें और पूजा करके जाने दें उनको, अगर कोई लड़ता है तो वो तो सिक्योरिटी में पुलिस है ना, मोबाइल अगर आपको कुछ इतना ज्यादा डर लग रहा है तो उनकी मूवी भी बनाए, वो पूजा कर रहे हो जब तक मूवी बना के रखें, अगर आपके पास कुछ नहीं है वगैरह का सिस्टम, कैमरामैन अगर नहीं है तो हम आपको कैमरामैन दे देते हैं, जब ये आया करेंगे पूरी मूवी बनी करेगी, जैसा भी चाहिए सीसीटीवी कैमरे जो है गवर्नमेंट से ही हम चाहते हैं कि उनके वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं फिर, अगर ये मार रहे भी होंगे तो सीसीटीवी कैमरे लगा देते हैं, अगर नहीं लगे हुए तो उससे पता चल जाएगा। अब इनको इबादत से रोकना ये सरासर गलत है, बिल्कुल। ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, बोलो बोलो मारी माता की, बोलो बोलो मारी माता की, बोलो बोलो मारी माता की। अभी इस एंट्री की जा रही है, और जब मंदिर के अंदर एंट्री एक तरीके से प्रॉपर एक प्रोसीजर के साथ की जा रही है। कि किस तरह भरपूर तरीके से यहाँ पे वेलकम किया जा रहा है महाराज का, जो कि इनकी कम्युनिटी में एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट का एक वो अपना दर्जा रखते हैं। आप देख सकते हैं बच्चे हो या बड़े हो, जिस तरीके से वो अपना खुशी का इजहार कर रहे हैं, आज जो ये इवेंट है तो उसका इवेंट जो है कि जीते रहो, जीते रहो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूँ कि आज जब मैं यहाँ इस इवेंट पे मौजूद हूँ, इन लोगों के जो जज्बात देख रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ ये चीज़ें हमें इंटरनेशनल मीडिया पे दिखानी चाहिए कि पाकिस्तान में नो डाउट बहुत से इश्यूज भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने तौर पे जितना इनसे
पॉसिबल होता है, ये अपने इवेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, ये अपने स्पेशल डेज को सेलिब्रेट करते हैं, और ये चीज पाकिस्तान की मीडिया का, ये चीज हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको प्रोटेक्ट करें। इनके जितने भी त्यौहार हैं, जैसे हमारा ईद का त्यौहार होता है, हम लोग खुशी से सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि हमें सेलिब्रेट। दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। इस टाइम यहां पे हिंदू कम्युनिटी की तरफ से उनके महाराज का स्वागत किया जा रहा है। रामनाथ महाराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां आप देख सकते हैं कि जितनी बड़ी तादाद में लोग इन्हें वेलकम करने के लिए यहां पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। हिंदू कम्युनिटी के हवाले से भी जो इश्यूज वैसे ओवरऑल चल रहे हैं उस हवाले से भी हम कोशिश करेंगे, बात करेंगे। और अभी क्योंकि ये रास्ता है और आपको ये मैं दिखा सकता हूँ कि पाकिस्तान में भी कहीं कुछ इलाकों में अगर हम प्रॉपर तौर पर सपोर्ट करें, प्रॉपर अगर इन्हें कवरेज दी जाए, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इन लोगों में आ जाता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इन लोगों में। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से बड़ी तादाद में यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं और अभी रिसेंटली एक मंदिर डिमोलिश का इशू भी चल रहा है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मंदिर तो वो मंदिर ही था जी, जी। लोगों ने जो है उससे गलत बयानी की कि ये मंदिर है, बेसिकली वहाँ पे मंदिर ही था 150 साल। ठीक है, अच्छा सर मीडिया की अगर बात करें और इसके अलावा अगर हम अपने इंस्टीट्यूट्स की बात करें, क्या वो लोग यहाँ पे आए हैं कवरेज के लिए और ये जो हिंदू कम्युनिटी का इशू है इसे उठा रहे हैं? आपकी बात अगर मीडिया की बात करें, क्या वो आपके इशू को उठा रहे हैं, मंदिर डिमोलिश के इशू को? हाँ, मंदिर के इश्यूज को तो उठा रहे हैं हम सब, बिल्कुल। ठीक है, ठीक हो गया जी। अभी क्योंकि रश बहुत ज्यादा है, उस तरीके से ना तो हम बात कर पाएंगे। जी जी, बोले श्री श्री पंचमुखी हनुमान गाधिपति रामनाथ महाराज की, रामनाथ महाराज की, रामनाथ महाराज की। देखे जी, जिस तरीके से यहाँ पे इनका एक त्यौहार है और उस त्यौहार को वो सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के जो इनका ये त्यौहार है, हम ना सिर्फ कवर करेंगे बल्कि यहाँ पे लोगों, ये पीछे अगर कैमरामैन दिखाएं, बच्चे किस तरीके से यहाँ पे ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरीके से वेलकम किया जा रहा है इनका। जी बिल्कुल, ठीक है। तो उस वजह से जो है वो पुरुषोत्तम मास कहलाता है, और अब जो है वो अधिक मास जब आएगा तो उसमें भगवान विष्णु जो है वो पाताल में जब चले जाएंगे तो शिव जी महाराज की पूजा होगी, तो ये पूजा जो है पुरुषोत्तम मास की पूजा कहला रही है। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट जो महीना आने वाला है वो श्रावण मास का जो है हमारा, अधिक मास है, उसमें 30 रोजे रखे जाएंगे, उसमें 30 रोजे रखे जाएंगे, हमारे व्रत होते हैं। ठीक है, इसे व्रत उपवास कहते हैं हम लोग, व्रत रखते हैं। ठीक है, तो वो हमारे यहाँ रखे जाते हैं। ठीक है, अभी जिस तरीके से यहाँ पे बच्चे हों बड़े हों, जिस तरीके से हम उनके जज्बात को देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में ये जो बच्चे हैं, क्या ये पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी की अगर बात करें, इस तरीके से ही पाकिस्तान की किसी भी गली में किसी भी मोहल्ले में अपना कोई भी इवेंट सेलिब्रेट कर सकेंगे, जिस तरीके से आप फ्यूचर को देख रहे हैं, ये देखें बड़ी तादाद में और बहुत पुरजोश और बहुत खुश नजर आ रहे हैं। देखें, मैं कहीं और का तो नहीं कह सकता, लेकिन कराची के अंदर हम लोग भरपूर तरीके से अच्छे से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर जो है बड़े अच्छे तरीके से त्यौहार मनाते हैं। ऐसे ही है। और हमारे यहाँ होली हो चाहे दिवाली हो, तमाम ईद हो, जी ईद भी हो, तो तमाम मजाहब के लोग जो हैं हम एक दूसरे को बुलाते हैं। हमारे यहाँ बैनुल मजाहब का एक बहुत अच्छा एक अहमियत रखते हैं, और तमाम उलमा जो होते हैं वो हमारे साथ होते हैं। ईद होती है तो हम उनके यहाँ जाते हैं, और हमारे यहाँ जो त्यौहार होते हैं दिवाली हो गई होली हो गई तो वो हमारे यहाँ आके होली खेलते हैं। नो डाउट, बहुत सी मिसकंसेप्शंस पाकिस्तान को लेके मौजूद थी कि पाकिस्तान में ये चीज़ें हैं, लेकिन बहुत से इश्यूज होने के साथ साथ कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी यहाँ मौजूद हैं। जी बहुत टाइम लिया आपका, बहुत शुक्रिया कि मैंने बहुत सख्त सवाल भी कुछ किए, आपने उनका भी बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मजीद इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं और आगे हम सामने ज़रूर लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।